सारे बाइकर इकट्ठे हो गए थे, तो जान की तैयारी हो लेट इस वक्त आए हुए हम SBS हॉस्पिटल, यहाँ पे कैंसर अवेयरनेस को लेके एक छोटी सी रैली निकल रही है। लास्ट टाइम भी हम आए हुए थे यहाँ पे, काफ़ी यहाँ पे हमने इंजॉय किया था, अच्छे अच्छे राइडर से हमें मिलने का मौका मिलेगा और काफ़ी राइडर यहाँ पे आए भी हुए हैं, तो मतलब काफ़ी मज़ेदार आज राइड होने वाली। काफ़ी दिनों बाद हम इस राइड पर आ रहे हैं, तो यार काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी अच्छी अच्छी आपको यहाँ पर बाइकें देखने को मिलेंगी। काफ़ी मज़ेदार है यार, ये PB10 राइडर आए हुए हैं और ये BMW यहाँ पे पड़ी हुई है यार, काफ़ी मज़ेदार है। तो अपने ग्रुप के मेंबर भी आ चुके हैं, लक्की यूट्यूबर साहब, AVR साहब, ये हाल चाल है सर? वाले बंदे आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये हाल है सर जी? बोले बोले, ओहो आज वेट नहीं कराया, आज बात ही नहीं करी। तो काफी मजेदार राइड होने वाली है, कितना लगता है सर जाके? बहुत बढ़िया, अपने ग्रुप ना मिल गए इतने दिनों बाद, बड़ी देर बाद मिले हैं, काफी दिनों बाद मिले हैं, तो अनु कितना लगता है भाई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हम देर बाद इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, रावण वाली बनाई हुई है भाई? तो यार पाके बननी होती है ना। अच्छा, आज हेलमेट ले आता, पाके बननी है डेली। ओके ओके ओके, हाडी अरविंद साहब बॉय इन द हाउस। ओ यार, आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत मिस किया यार, इतने दिनों बाद पर राइड पे आ रहे हैं ना, उन राइडा शुरू करो दोबारा। तो मौसम होने हो गया है सही, आयो फोटो खींचने हां, वही तो कहने नहीं शुरू करना वाले। तो हमारा फोटो सेशन हो रहा है, कितना लग रहा है जी सारे नु? बढ़िया, यार मिलके इतने टाइम बाद है जी, 3 महीने बाद आए भाई। बाइकर ग्रुप का लोगो, वाओ यार, कितना लगता है तुम्हें? मैं पंजाबी चलवाता भाई, वधिया लगता है भाई, सारे दे विच पंजाबी च अपना ही है अगला। बिल्कुल बिल्कुल सही गल है, पंजाबी च नहीं, पंजाबी च कोई और नहीं हैगा, बात है अलग अलग ग्रुपां दा मिलन दा मजा आऊगा। हां बिल्कुल बिल्कुल, अड कौन होया? नहीं, इन्हां ने अड करानी है। कौन अड कौन होया? अच्छा, वो अलग अलग अपना ग्रुप्स के मेंबर आ रहे हैं अभी, तो काफ़ी मज़ेदार यार सीन है। इस बार तो मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ी रैली होने वाली है, काफ़ी ही बाइकर्स आए हुए हैं, तो इस बार तो यार मतलब ज़बरदस्त इसको बोलते हैं। अभी ब्रेकफास्ट के लिए काफ़ी रश है और हम यहाँ पे सभी बैठ के बातें बूतें कर रहे हैं, अपने पुराने टाइम को याद कर रहे हैं, तो काफ़ी मज़ेदार है यार सीन। काफ़ी टाइम बाद आप सुखरी वीर मिले, की हाल चाल है सर? मोटे ताजे भाई, 2 किलो बढ़ गया। 2 किलो बढ़ गया, अपना सब्सक्राइब करो जी, की कहना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे जी? हां जी हां जी, किवें दा लग रिहा? बहुत मजा आ रहा है, हेलो ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਤਵਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਲਗਾਓ ਲਗਾਓ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਧਰ ਟੌਪ ਸਪੀਡ ਭਾਈ 90, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਬਾਕੀ ਰਾਈਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ 50-50 ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 500 ਸੀਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ 90 ਦੀ ਸਪੀਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਡੀ ਗਾ ਭੈਜੋ ਭਾਈ, ਕਰ ਲਗਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਿਸ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਕੁੱਕਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਭੈਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਐ, ਅਸੀਂ ਰੇਤੇ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਕਢਾਇਆ ਭਾਈ ਦਾ ਵਲੌਗ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਪੁਛਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਪੰਗਾ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ ਇਹ ਆ ਨਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਇਦਾਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਆ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਯੈਸ ਸਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਪੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਨੀਰ ਖਾ ਲਿਆ? ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਚ ਵਰਤ ਹੈ। ਕਾਦਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਾਪੇ ਦੇ ਕੇ ਭਜਿਆ ਬਾਹਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਜੋ ਖਾਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰਖਾਤਾ। लगभग यहाँ पे 250 से 300 बाइकर आए हुए हैं,
और एक से बढ़कर एक बाइकर यहाँ पे, मतलब बाइकें आई हुई हैं, काफ़ी मज़ेदार सीन है यार जो भी है, काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे हमें लग रहा है आके। पंजाब थंडरबर्ड्स भी आए हुए हैं, तो अपनी ये बाइक खड़ी हुई, काफ़ी मज़ेदार है यार। तो अभी फ्लैग ऑफ होने लगा है, तो अभी यहाँ पे एक फ़ोटो सेशन होने लगा है, सभी बाइकर को बुला रहे हैं फ़ोटो सेशन करने के लिए, तो काफ़ी मज़ेदार है यार। अभी बस फ्लैग ऑफ हो चुका हुआ है, ये मैम है अपना जो फ्लैग ऑफ करने के लिए अपना जा रहे हैं, तो काफ़ी मज़ेदार है यार यहाँ पे। तो फोटो सेशन होने लगा, फोटोग्राफर आ चुके हुए हैं, तो सभी ग्रुप के मेंबर आ चुके हुए हैं। बोला गया कि ओवरटेक किसी ने नहीं करना और हाँ 40 की स्पीड पे जाना है, तो यहाँ पे बाइकर फिर साली स्पीड बढ़ा रहे हैं और इतनी ज़्यादा स्पीड पे जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नाम की चीज़ है भी है कि नहीं है। तो हम तो अपनी नॉर्मल जो स्पीड है हमारी, तो हम तो उसी स्पीड पर जाएंगे, तो काफ़ी मज़ेदार है। अभी मुझे रूट का कुछ पता नहीं लगा कि कौन से रूट से हमने जाना है या जो भी है, तो काफ़ी मज़ेदार है यार। चलो अभी हम आगे जा रहे हैं, काफ़ी बाइकर्स हैं हमारे, काफ़ी मज़ा आ रहा है यार, काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस है यहाँ पे आके देखने का। तो अभी जैसे मेरे साथ होता है कि हर बार की तरह, इस बार भी सबसे एंड में मैं ही हूँ इसमें हंसने वाली बात तो है नहीं, बट हम यार अपने आप को सेफ्टी के साथ है राइड करते हैं, तो मेरा तो कहना है सबको सेफ्टी के साथ ही राइड करनी चाहिए। ऐसे ही जवानी के जोश में बाद में आप कुछ ना कुछ ऐसा गलत कर जाओ काम, तो उससे अच्छा तो आप अच्छे तरीके से आराम से राइड करें तो ज़्यादा बेटर है। तो अभी यहाँ से हम आगे जाएंगे, तो आगे जाके देखते हैं क्या क्या और हमें देखने को मिलता है। तो अभी हम सबके बराबर आ चुके हुए हैं यार, यहाँ से कितना ज़बरदस्त व्यू लग रहा है ना, इतने सारे बाइकर हम साथ में जा रहे हैं, तो यार एक जन्नत लग रही है, मज़ा आ रहा है। ऐसे ही है कोई एक हमारा ग्रुप होना है, ऐसे ग्रुप में हम सभी लॉन्ग राइड किया करें, तो यार मज़ेदार है। लोग पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि भैया कहाँ से आ गए इतने बाइकर, तो काफ़ी मज़ेदार है यार ये तो। तो रूट का मुझे इन्फॉर्मेशन ना होने करके मेरे को समझ नहीं आ पा रहा कि हम कौन से रूट से जा रहे हैं। लाइक मुझे लग रहा है कि शायद दुराहा से हम दोबारा से राउंड करेंगे, राउंड करके फिर SBS आके हमारी राइड ख़त्म होगी, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है, तो बाकी कह नहीं सकते कुछ। तो चलो अभी आगे देखते हैं कि क्या बनता है हमें दोबारा से। तो मुझे तो अभी इतनी छोटी पड़ी है कि टाइम की शॉर्टेज होने करके हमने पेट्रोल तो रिफिल कराया नहीं, अगर इनके यहाँ पे पेट्रोल ख़त्म हो जाता है ना, बहुत इंसर्ट होगी हमारी। तो चलो लेट्स सी आगे देखते हैं क्या बनता है। जैसे हर बार मेरे साथ होता है वही इस बार भी हुआ एडवेंचर, हमें पता नहीं हमारे हानी कौन से रोड पे कौन सी गली में चले गए हैं। एक्चुअली बात हम फ्यूल रिफिल कराने के लिए 2 मिनट के लिए आगे हुए, तो वो आंखों से होशल ही हो गए, तो फिर थोड़ा सा आगे आए हैं, हमने उनको कवर भी कर लिया, तो क्या हुआ हमारे बाइक की चैन सेट उतर गई। तो अभी फ़िलहाल हमें रूट का पता नहीं कौन से रूट पर जाना था हमने और कौन से रूट पर वो गए हैं, क्या गए हैं कुछ नहीं समझ आ रहा। तो अभी हम यहाँ से सोच रहे हैं कि यहाँ से यू टर्न लेके आगे की तरफ हम निकल जाएंगे। चलो लेट्स सी देखते हैं क्या बनता है आगे। तो फाइनली हमें सभी अपने मेंबर मिल चुके हैं, थोड़ा सा कहते हैं ना सांस में सांस आई है,
तो ये साढ़े गुरप्रीत जी का कितनी बाइक चला रही 10,000 बस तो वीर ने नवी बाइक लीती थी 10,000 किलोमीटर चला लीती है काफ़ी वधिया इन्होंने बाइक मेनटेन की हुई है इतने रुक गए इतने हो गई नहीं हूँ इतने फोटो सैशन हो रहा है छोटा जी उस तो बाद अगे आप जावे रूट आई है वापस अभी मैं लगे मैं कि कि हमें सर्टिफिकेट मिलेंगे सर्टिफिकेट लेने के बाद हम दोबारा से घर जाएंगे सबको मिलने के अब हम अपनी डेस्टिनेशन के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं लगभग आधा किलोमीटर रह गए हुए हैं तो काफ़ी राइड करके काफ़ी मज़ा आ रहा है तो मेरा तो कहना था ये राइड कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहे तो चलो कोई बात नहीं अभी टाइम की शॉर्टेज है तो हमने भी आगे अभी जाना था थोड़ा सा पर थोड़ा सा टाइम निकाल के हमने सभी राइडर्स भाई को मिलने के लिए आए तो चलो अभी वहाँ पे जाएंगे वहाँ पे सर्टिफिकेट लेंगे और सर्टिफिकेट लेके साथ के साथ हम निकल जाएंगे क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि हम रुक के पूरा फंक्शन वहाँ पे अटेंड कर पाए क्योंकि एक्चुअली वहाँ पे लंच का भी प्रॉब्लम है अभी हम लंच करेंगे नहीं तो चलो तो किदा लगे भी राइड से काफी मजा आया सानू इथो बस अभी सर्टिफिकेट लवेंगे सर्टिफिकेट लेके अभी निकल जावे काफ़ी मज़ेदार राइड सी है काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है राइडर्स वीरां नू मिलन नू मिलता है काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता है चीज़ों देख के चलो कोई इशू नहीं है हूँ चलते हैं आप अगे ये अनाउंसमेंट हो चुकी हुई है लंच की बट लंच करने का मेरा कोई भी सीरियसली गल मूड नहीं है बट चलो ये भी काफ़ी मज़ेदार यार किदा लगे मजा आया बहुत वधिया राइड देना राइडर दी राइड होगी अवेयरनेस ऐसे कुछ नहीं रही हाईवे दे किसी नु अवेयरनेस नहीं मिली होनी सिटी राइड ते वधिया रहंदा परमान साहब साडे आए हुए सीगे सिटी दे विच क्या मजेदार सीन है यार यहाँ पे मजेदार जिसको बोलते हैं ना जन्नत जन्नत है तो अभी क्या हो रहा है जो कैंसर पेशेंट थे तो जो यहाँ से ठीक हो गए हैं उनको अपना यहाँ पे कह सकते सम्मानित किया जा रहा है तो काफ़ी मज़ेदार है यार यहाँ पे काफ़ी ही ज़्यादा क्राउड आया हुआ है क्राउड तो काफ़ी निकल भी गया है तो हमारे जो बाइकर ग्रुप के मेम्बर हैं वो हाथ खड़ा करके अपनी हाजिरी लगा रहे हैं जिसको बोल सकते हैं बिठाइए ठीक है कोई नहीं बाबी तक जाऊगी कोई दिक्कत नहीं बड़ा दुखी लगता मैं दुखी लगता है सारे बिठाओ
ओके सो नाउ आई वुड लाइक टू मुड़ के भाई ने आना नहीं 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 ऐसा नहीं कोई गल नहीं भाई ने नहीं आना नहीं आना चाहिए ऐसा नहीं कोई बात चाहिए तो है ਉਧਰ ਲਸ਼ਕੋਰ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਗਾਂਡੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਈਕਰ ਦੀ ਟੋਪੀ ਲੋ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਬਾਈਕਰਸ ਕੋਬਰਾ ਰਾਈਡਰਸ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਆਨ ਐਡਮਿਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦੋ ਐਡਮਿਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਧੰਨਵਾਦ ਗੋਡਸ ਗ੍ਰੇਸ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹਿਪ 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 ਹਿਪ